आओ भाभी, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। भाई तो गए। बस बस मेरी तारीफ करना बंद करो, प्लीज जाके जल्दी से रेडी हो जाओ। हाँ बस 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं चेंज करके। हाँ जल्दी से जाओ ताकि मैं तुम्हें वैसे ही तैयार कर सकूँ जैसे तुमने मुझे किया। पर क्यों भाभी, एनिवर्सरी तो आपकी है ना, मुझे क्यों कुछ करना है? मेरे लिए मेरा मन है ना तुम्हें वैसे देखने का, ये रीजन इनफ नहीं है क्या? वैसे सरप्राइज होने की ज्यादा एक्टिंग तो नहीं की ना कीर्ति? नहीं नहीं अभी बचा के रखिए, हॉल में भी तो करनी है ना फैमिली के सामने। वैसे मुझे लगता नहीं उसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि कार्तिक नारा तो अभी तक तैयार ही नहीं हुआ है। वैसे कुछ भी कहो, तुम जब भी मिलते हैं ना इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। इतनी अच्छी अरेंजमेंट इतने कम टाइम में कर दी दोनों ने। दैट्स ट्रू। चले देखा मेरी पसंद कितनी जचती है तुम पे। क्या लग रही हो नायरा, आफ्टर ऑल पसंद तो मेरी है ना। थैंक यू। इस स्ट्रेस के लिए कोई बात नहीं, साफ बराबर। क्यों नहीं लग रहा है फोन सुनने का, कब से ट्राई कर रहा हूं। पापा अरे वाह, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। मैं भाई और भाभी को देख के आती हूँ। माँ से बात हुई आपकी? नहीं, कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन ही लग रहा है उसका। उसका भी फोन नहीं आया जबकि उसने कहा था कि पूजा के बाद फोन करेगी। ये ठीक नहीं है, हमें उन्हें बता देना चाहिए था क्योंकि अगर उन्हें किसी और से पता चलेगा तो बहुत हर्ट होंगी वो। ऑलरेडी कॉलेज और बिल्डिंग वाली बात नायरा को लेकर हमने उन्हें बताई नहीं है। वो तो तुमने मुझे भी नहीं बताई थी, मुझे तो एनीवे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो मैं संभाल लूंगा। अब वैसे भी एक शाम की तो बात है, नक्शा कीर्ति की खुशी के लिए इतना तो आपको उन्हें बता देना चाहिए था एटलीस्ट अब तक। अब उन्हें हर्ट नहीं कर सकता ना उनके सामने नायरा का नाम लेकर। आपको तो ठीक है, तो फिर तुम जाओ, तुम एंजॉय करो, मैं तो फिर से ट्राई करता हूँ। पापा प्लीज। थैंक यू सो मच। हमारी एनिवर्सरी इतनी स्पेशल होगी ये मैंने नहीं सोचा था। दोनों फैमिली साथ में है कार्तिक और नायरा की वजह से। इतने कम टाइम में इतना अच्छा अरेंजमेंट, थैंक यू। थैंक्स नायरा कार्तिक। हाँ ये दोनों तो एकदम सेलिब्रेशन स्पेशलिस्ट है। हाँ जब भैया भाभी साथ में रहते हैं तो सब कुछ मैजिकली हो जाता है। भगवान करे इनका मैजिक हम सबकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां बरसाए। चलिए इस पार्टी को एंजॉय करें जिसके लिए इन्होंने इतनी मेहनत की है।
पार्टी के लिए आज का पहरागी। कपल्स को अक्सर एक दूसरे से शिकायत रहती है कि वो उन पर ध्यान कम देते हैं, टाइम भी कम देते हैं। तो ये गेम हमें बताएगा कि ये कपल एक दूसरे को कितने अच्छे से जानता है और कितना ध्यान देता है एक दूसरे पर। इस बास्केट में काफी सारे लिपस्टिक के शेड्स हैं। भाई को वो एक लिपस्टिक सेलेक्ट करनी है इसमें से जो भाभी कभी नहीं लगा रही। अरे ये क्या है, अब लिपस्टिक के शेड्स कैसे बताऊं मैं? आई एग्री, ये तो डिफिकल्ट सवाल है। हाँ कार्तिक प्लीज सवाल चेंज करो यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। नक्श, ये सवाल तुम्हारी बहन ने सोचा है। हाँ तो इसमें गलत क्या है? गलत किसने कहा, बस मुश्किल है ये कहा। तो शादी भी तो आसान नहीं होती। ओ मोरे सैया नैना ना रूठे मने। अरे छोड़ो नक्श, प्लीज दे दो ना जवाब। ओके ये वाला क्या नक्श, इतना भी नहीं पता आपको? ये वो शेड है जो मैं ऑलमोस्ट हर रोज यूज करती हूँ। सुहासनी जी, मैंने आपके बारे में न जाने क्या क्या, सॉरी। आज खुशी का दिन है देवयानी जी, किसी भी कड़वी बात को क्यों याद करना। कोई बात नहीं कीर्ति, अब अगला सवाल तुम्हारे लिए। इनमें से कौन सा वो सोप है जो नक्श कभी यूज नहीं करेगा? I think ये वाला रोज। Yes, बिल्कुल सही है। लेकिन तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो नक्श? पॉइंट्स तो कीर्ति को मिलेंगे। अरे हाँ। तू ज़्यादा स्मार्ट मत बन कीर्ति। वैसे भी बहुत सिंपल सवाल था। कौन सा आदमी रोज फ्रेग्रेंस वाला सोप यूज करेगा? ये तुम कह रहे हो जो रूम के लिए हमेशा रोज और फ्रेग्रेंस खरीदते थे? ओके, अब और एक चैलेंज। आओ क्या चलो यहाँ पर। चैलेंज ये है कि भाई को बिना लाइन क्रॉस किए भाभी को अपने पास बुलाना है। स्वे क्या है? ये तो बहुत सिंपल है। हाँ वो क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन कीर्ति तो क्रॉस कर सकती है ना। Exactly. बिल्कुल नहीं, कीर्ति भी क्रॉस नहीं कर सकती। तो फिर ये कैसे होगा भाई? वही तो चैलेंज है। चलो जरूर ट्राई तो करो। कीर्ति जम कर दीजिए। एक पैर डाल के देखो ना बाहर। तुम देखो ना आगे आगे। No suggestions please। बिल्कुल नहीं, कोई टिप्स नहीं देगा जी। No hint. ओके ओके प्लीज, मुझसे नहीं हो पा रहा। अरे इतनी जल्दी गिव अप कर दिया, ट्राई तो करो। अब तो एक काम करो ना, तुम दोनों ही दिखा दो हमें। आओ चलो। अब चलो कार्तिक। अरे हम लोग कैसे? बिछड़ी सांसों की है यादें तेरी, बंद आँखों में है तुझसे जुड़ा मन, तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे ऐसी खामोशियों में, छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने, ओ मोरे सैया नैना ना
काफी सिंपल था। नक्श, कीर्ति, देखा तुमने एक्चुअली कितना सिंपल था। बेटा असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, वो रेखाएं जो हम सोचते हैं कि हमें एक दूसरे के पास आने से रोक रही हैं, या जिन्हें हम लांगना नहीं चाहते, हमको ऐसा लगता है कि लांग नहीं सकते, देयर आर सो वेरी इजी, वो भी इतनी सिंपल होती है बेटा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।